देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज, सिर्फ सच, सिर्फ सच। जी आरके उपाध्याय जी, जो कि आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता भी हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर में चुप की बात कही जा रही है, वहां राष्ट्रपति शासन लगाने की भी बात कही जा रही है, ये कहां तक उचित है? आपके मंच को जो पहले मैं सादर नमन करता हूं, क्योंकि आप लोग एक जुझारू कार्यकर्ता हैं और देश के प्रति जो है ना अच्छा सोच रखते हैं जी। सवाल आपका बहुत दुरुस्त है जी, कि आखिर हमारे देश के जो सबसे माननीय पद के अधिकारी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके व्यवस्था में जी या उनके कार्यशैली में किस तरह का बाधा उत्पन्न किया जाए जी, तो अच्छी बात नहीं है जी। मैं इस चीज को कबूल करता हूँ जी, लेकिन सवाल इस बात का है ना कि आप भी देश के प्रधानमंत्री हैं और आपके मशीनरी में यदि किस तरह की गड़बड़ी आती है जी, तो उसका सबसे पहले जिम्मेवारी आपके ऊपर जाता है जी। देश जो है ना 10 खंडों में नहीं है, देश एक है जी, और इसको एक नजर से ही हर आदमी देखता है जी। देश का प्रत्येक नागरिक जो है ना देशभक्त है, इसलिए देश में किसी तरह की कमियां आवे तो उसे बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल, सवाल इस बात की है कि जो सत्तारूढ़ी पार्टी है जी, इस सत्तारूढ़ी पार्टी जब से ये पार्टी आई है अपने सत्ता में, अपने पावर में जी, तब से लेकर के आज तक देखिए, फिर रामचंद्र की बात कह के ये लोग चंदा तक सीमित हो गए, गौ माता की बात कह के ये लोग जो है ना धंधा तक सीमित रह गए, और देशभक्ति की बात कह के ये लोग जो है ना दंगाई बन के रह गए। उसी तरह से ये लोग जो है ना विकास की आंसू बहा करके पूरे देश के अंदर में बेरोजगारी, ऐसा नहीं लगता कि इनको कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से भी खतरा है? बिल्कुल खतरा है, और पूरे देश के हर कोने से जो है ना आवाज उठना शुरू हो गया है जी। उसी बौखलाहट का ये भी एक सीन है जी, जो आप देख रहे हैं। बाकी हर चीज में राजनीति करना देश के प्रति जो है ना अपने आप को निष्क्रिय साबित करने का एक आधार माना जाना चाहिए। अच्छा, ये एक चीज बताएं, राजनीति करते हैं एक चीज कि फूल बहुमत में आने के बाद इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पे भी कब्जा किया और हमारे गवर्नर जो है उन पर कब्जा भी किया, और जैसा देखने को मिल रहा है पूरे 70 साल के अंदर में ये पहली बार है जी, जो लोकतंत्र के अंदर सत्तारूढ़ी पार्टी की कब्जा भारत के हर मशीनरी पर है और वो अपने तरीके से लोग चलाना चाहते हैं जी, जो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। अचानक जो है राष्ट्रपति से मिलना और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करना जी, क्या ये राजनीति का भी, इसको भी अंग माना जा सकता है क्या? देखिए बिल्कुल, हम निसंकोच कहना चाहेंगे जी कि हर सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा हुआ सवाल जो है ना जी, वो न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत नहीं होती जी। ये कितने बार देखने को बोला, देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि ये पब्लिक डोमेन का काम है, उससे जो है ना आप ओपिनियन फॉर्म करा दीजिए। ये बहुत बार इस तरह की बातें आई हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में कोई बात इसलिए रख दिया जाता है ताकि वो राजनीति का हिस्सा बने और चर्चा परिचर्चा में जो है ना वो कंटिन्यूएशन में चले। दोनों का भी अपना जो है ना, इनका एक अपना साध्य होगा, एक साधना होगी, जिस सवाल को हम रखेंगे तो इसका जो है ना राजनीतिक लाभ हमें कहाँ तक मिलेगा? नहीं, अगर ये लोग सोच लें इस बात को कि इसकी कोई राजनीतिक लाभ नहीं मिलनी है, आम आदमी पार्टी का मैं कार्यकर्ता होने के नाते नहीं, बल्कि एक देशभक्त होने के नाते, एक देश की नागरिक होने के नाते, पंजाब जो है ना वो बदलाव के मूड में है और पंजाब बिल्कुल बदल के रहेगा, चाहे ये सवाल कुछ भी खड़ा करें। अच्छा, आम आदमी पार्टी वहाँ जो है ना अपनी सत्ता बनाएगी, लोगों का ये पुकार है, लोगों की आवाज है। देखिए सबसे एक एक चीज और हम जानना चाहेंगे, जहां तक मेरी जानकारी में है कि ये जो राष्ट्रपति शासन या फिर सुप्रीम कोर्ट से किसी भी तरह का कोई भी कुछ भी करा देना, ये हमारे सरकार की के लिए आम बात है, ठीक है ना? तो क्या ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, क्योंकि अभी कुछ ही महीने बाकी हैं पंजाब के चुनाव में?
देखिए कानून के तकनीक का इस्तेमाल करके जी हम किसी तरह के फायदे को लोकतंत्र में हासिल कर लें जी, वो बहुत बड़ी राजनीति का हिस्सा नहीं, वो आपके मैकेनिज्म का हिस्सा है, वो आपके तकनीक का हिस्सा है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि सत्ता में बैठी हुई सरकार जो है ना अपने उस तकनीक का इस्तेमाल करके, वो कानूनी तकनीक का इस्तेमाल करके अच्छे से अच्छे सरकार को गिराती है। और इन लोगों के पार्टी में ऐसा देखने को मिला था उत्तराखंड में जी, उत्तराखंड में जो है ना वहाँ केस दायर किया गया, वहाँ जो है ना कांग्रेस की पार्टी, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी उसके फेवर में बात आई, ये लोग जो है ना उसको भी तोड़ मोड़ करके पेश किए। तो एक नहीं हजारों उदाहरण मिलेंगे। अच्छा ये एक वाकया और टीवी पर देखने को मिला है कि उत्तराखंड से की घटना है जिसमें महानेता जो है एक मंच पे गए थे कांग्रेस के, और वहां पे एक चाकू लेकर के बुजुर्ग जो है वो मंच पे चढ़ गया था, ये कि ये भी तो चूके हो सकती है। देखिए कहीं भी मंच की व्यवस्था की जाती हो तो पब्लिक डोमेन की बात है, और मैं तो ये इस बात को देखिए हमारे भी मुख्यमंत्री जो है ना कई जगह गए और उनको लोग जो है ना गिरफ्तार किए, तो उसको हम कहेंगे कि राजनीति में जो है ना किसी तरह का एक षड्यंत्र रच करके और किसी को डिफेम करने की बात। लेकिन जहाँ तमाम जनता एक आवाज उठाती हो, पंजाब की इश्यू जो है ना वो तमाम जनता एक आवाज उठाती है, उसको याद हो क्यों है कि बॉर्डर पे उसके साथ में किस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, उसको याद है कि उसी के राजधानी में उसको घुसने से मना किया गया, उसको याद है कि वह भारत का एक अभिन्न अंग है पंजाब, और उसका गिरफ्तार किया गया। इसलिए जो है ना वो चूक को आप मद्देनजर रखते हुए कोई सवाल उठावे, यदि आपका ये इशू जो है ना चूक है तो आप समझिए वो क्या था, वो बहुत बड़ा महाजघन्य अपराध था। तो ये कहा जा सकता है कि हमारे प्रधानमंत्री जो है अपना अधिकार लोगों पे थोक रहे हैं और लोगों का अधिकार जो है उसको गमन कर रहे हैं। देखिए मैं प्रधानमंत्री शब्द पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहूंगा, उसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री शब्द संविधान से बिलोंग्स करता है, संविधान का हिस्सा है। लेकिन मैं व्यक्ति विशेष पर हमेशा सवाल उठाता हूँ, व्यक्ति विशेष से हिंदुस्तान नहीं चलता, हिंदुस्तान संविधान से चलता है। और इस हिंदुस्तान के अंदर में कोई बहुत बड़ा ग्रंथ है तो उस ग्रंथ का नाम है संविधान, और संविधान के मर्यादा का पालन करना हमारा धर्म कर्म और कर्तव्य तीनों है, इसलिए मैं उस पर सवाल नहीं। लेकिन मैं उस व्यक्ति विशेष पर जरूर सवाल उठाता हूँ और उठाते रहूंगा, क्योंकि आपकी करनी आपके सामने आ जाए तो दुख हुआ और आप दूसरे पर उंगली उठावे तो सुख हुआ, ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा एक आखिरी सवाल आपसे कि अगर पंजाब के अंदर कांग्रेस की जगह आम आदमी पार्टी की अगर सरकार होती तो ऐसे ऐसे समय में उसका जवाब क्या होता? इसका जवाब मैं जरूर देता, बसरते हमें सत्ता में बैठाइए, देखिए इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति नहीं पैदा होगी। चलिए बहुत 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 धन्यवाद उपाध्याय जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। जी जी धन्यवाद आपको। आप देख रहे हैं पोल इंडिया न्यूज़, सिर्फ सच, सिर्फ सच।